प्रदेश की राजधानी रायपुर में सोने के नाम पर लगभग एक दर्जन लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी करने वाला गिरोह के मास्टरमाइंड को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी लोगों को कम दाम में सोना दिलाने के नाम पर कई लोगों को ठगी का शिकार बनाया था। वहीं पुलिस ने आरोपी के कब्जे से ठगी के लगभग 70 तोला सोना और 9 किलोग्राम चांदी के जेवरात जब्त किए हैं। बता दें कि सस्ते में सोना दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी सहित अन्य 9 लोगों को कम दाम में सोना देने, सोने के व्यवसाय में पैसा लगाकर मुनाफा कमाने और कम कैरेट के सोने को 23 कैरेट का बताकर बिक्री कर लगभग 1 करोड़ रुपए की ठगी की थी। इतना ही नहीं, लोगों को अपने झांसे में लेने के लिए महावीर नगर में ज्वेलरी दुकान भी खोल रखी थी। घटना में संलिप्त एक महिला आरोपी सहित कुल 3 आरोपियों को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं अब इस गिरोह के मास्टरमाइंड अनिल वर्मा निवासी बलिया उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के पास से 42 लाख रुपए के जेवरात भी जब्त किए गए हैं। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही की जा रही है। वहीं मामले के अन्य आरोपी की भी तलाश की जा रही है। बने जिला प्रमुख व ब्लॉक प्रमुख रिपोर्टर और पाए मौका प्रदेश की सबसे बड़ी न्यूज चैनल छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज के साथ जुड़ने का। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।